हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार किचन में। आज मैं आपके लेके आई हूँ चिकन की एक ऐसी रेसिपी जिसे बोलते हैं चिकन हांडी। आज मैं इसे ढाबा स्टाइल बना के तैयार करूँगी। बनाने में बहुत आसान है और स्वाद में बहुत लाजवाब है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मसाला बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है आधा चम्मच के आसपास धनिया साबुत और आधा चम्मच जीरा। ये साबुत जीरा और धनिया को हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। तब तक भूने जब तक कि इसमें से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर चेंज ना हो जाए। इधर आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे एक दरदरा पाउडर बना के तैयार करेंगे। बहुत बारीक नहीं करना है, एक दरदरा पाउडर बना के हमें इसका तैयार करना है। इधर आप देख सकते हैं मैंने इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला हुआ है 3 बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पर मैंने ये प्याज जो यूज़ किया है ये स्लाइस में कटा हुआ प्याज लिया है। तेल के गर्म होते ही इस प्याज को मैं इसमें डाल लूँगी और प्याज को चलाते हुए हमें भून लेना है। इधर प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज जल्दी भून जाए इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 1 चम्मच नमक। इससे क्या होगा कि प्याज को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्याज जल्दी भून जाएगा। ऐसे मिक्स करते हुए लगातार चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इधर आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लूँगी। भून जाता है तो मैं इसमें ऐड करूंगी ये 2 से 3 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से कट करके मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के पीसेस। मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन का यूज़ किया है। चिकन ऐड करने के बाद हम इस मसाले के साथ इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इधर जब चिकन को मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही यहाँ पर जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर अच्छा देगी। इसके साथ ही जो हमने दरदरा जीरा और धनिया का पाउडर पीसा हुआ है उसे डाल लेंगे और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया
और इन मसालों के साथ चिकन को हम 2 मिनट के लिए ऐसे लगातार चलाते हुए थोड़ा पका लेंगे ताकि मसाला भी पक जाए। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के पका। दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम लो कर लें या फिर गैस को ऑफ कर लें। करने से क्रीम की जगह पे आप घर की जो मलाई होती है वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। चिकन हांडी बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी चिकन बनके तैयार हुआ है। अगर आपको आज की मेरी ये चिकन हांडी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।